हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल कुकिंग विद पैशन। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों को फरा बनाना बताऊंगी। इस फरे को बनाने के लिए हमें 4 से 5 घंटा भिगोई हुई चने की दाल चाहिए। मैंने दाल भिगो ली थी, अब इसको मैंने पानी निकाल दिया है। और हमें चाहिए लहसुन और हरी मिर्च। अब इस दाल को हम पीस लेंगे। इसको पीसने के लिए ज़्यादा पानी हम नहीं डालेंगे और थोड़ा सा मोटा पीसेंगे, दरदरा सा। और इसके साथ हम लहसुन और हरी मिर्च को भी पीस लेंगे। इस फरे में मैं ज़्यादा मसाले नहीं डालूंगी, बस हरी मिर्च और लहसुन और नमक हल्दी। ये बहुत ही टेस्टी बनता है। अब आप लोग यहाँ देख सकते हैं कि दाल हमारी पीस चुकी है। मैंने इसको मोटा मोटा ही पीसा है और इसको पीसने के लिए ज़्यादा पानी का यूज नहीं किया है, इसलिए थोड़ा सा गाढ़ा है, पतला बैटर नहीं है। अब इसमें मैंने हींग डाला है। चने की कोई भी अगर रेसिपी आप बना रहे हैं चने की दाल की, तो उसमें हींग जरूर डालें, इससे गैस नहीं बनती है। फरे बहुत तरीके से बनाए जाते हैं। आज मैं आपको चने की दाल और गेहूं के आटे का फरा बनाना बताऊंगी। अब इसमें हम हल्दी डाल लेंगे, नमक। इसमें मैं ज़्यादा मसाले नहीं डालूंगी, हल्के मसाले डाल के बनाऊंगी, लेकिन फिर भी ये बहुत ही टेस्टी होता है। थोड़ा सा मैं इसमें लाल मिर्च पाउडर भी डाल रही हूँ, थोड़ा सा, मुझे तीखा ज़्यादा पसंद है। अब इन सारी चीज़ों को हम मिक्स कर लेंगे। यहाँ पर ये बैटर बन के तैयार है। सॉरी, बैटर नहीं है, ये स्टफिंग है। इसको हम आटे के अंदर भरेंगे, इसलिए इसको गाढ़ा होना चाहिए, पतला होगा तो ये निकल जाएगा। अब हम किसी कढ़ाई या भगोने में पानी ले लेंगे, उसको गर्म करेंगे। ये फरा मैं पानी में बॉयल करके बनाना बताऊंगी, क्योंकि ज़रूरी नहीं सबके पास स्टीम करने वाला हो। अगर है तो आप उसमें बनाइए। अब इस पानी में हम थोड़ा सा नमक डाल लेंगे और थोड़ा सा रिफाइंड ऑयल डालेंगे। तो चलिए अब हम लोग फरा बनाना स्टार्ट करते हैं। फरा बनाने के लिए हम जो आटा बनाएंगे, वो नॉर्मल रोटी के आटे से थोड़ा सा टाइट आटा बनाएंगे। अब इसमें से हम एक बड़ी सी लोई लेंगे, रोटी की लोई सी बड़ी। आप देख सकते हैं मैं कैसे कर रही हूँ। अब इस लोई का हम एक रोटी बेलेंगे, थोड़ी सी मोटी रोटी और साइज थोड़ा सा छोटा होना चाहिए। अब आप देख सकते हैं कि इस मोटी रोटी की मोटाई कितनी है। अब उसमें एक हम बीच में होल कर देंगे छोटा सा, जिससे कि अंदर की स्टफिंग जो है वो भी स्टीम हो सके। इस तरह से इसको हाथ में लेंगे हम। अब इसके अंदर हम ये चने की दाल की स्टफिंग डालेंगे। स्टफिंग आप उतना डालिए जितना कि ये बंद हो सके। मैंने 2 चम्मच डाला है। और इसके किनारों को हम अब बंद कर देंगे अच्छे से दबाते हुए। आपको ये ध्यान रखना है कि इसके जो किनारे हम बंद करें, कहीं से खुला नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमें इसे पानी में उबालना है, इसके अंदर पानी चला जाएगा। अब ये फरा बन चुका है, इसको हम किनारे रख लेंगे। ऐसे ही हम सारे फरों को बना लेंगे। यहाँ पे सारे फरे बन के तैयार हैं। अब यहाँ पानी उबल चुका है, अब इसमें हम फरों को डालेंगे। अगर आपके पास फरे ज़्यादा हैं तो आप बड़ा बर्तन यूज करिए, कोई भगोना यूज करिए। अब इसमें एक एक करके हम फरों को डाल देंगे जितना इसमें आ सके। वैसे तो फरे चावल के आटे का बनता है, लेकिन बट आपके पास चावल का आटा ना हो और आपको फरा खाने का मन हो, तब आप इस तरह से गेहूं के आटे का भी बना सकते हैं। ये भी बहुत ही टेस्टी लगता है। मैं तो अक्सर
इसी का बनाती हूँ। अगर आप चाहें तो आटा गूंथते समय इसमें थोड़ा सा चावल का आटा भी मिक्स कर सकते हैं, इसे थोड़ा सा इसमें जो चावल का आटे का क्रंचीपन है वो आ जाता है। 5 मिनट एक साइड पकने के बाद थोड़ा सा इसको हम पलट लेंगे खोल के। ये फरे जो है 15 मिनट में उबल जाते हैं अच्छे से, तो 15 मिनट उबालना है पानी में। इसको बीच बीच में आप चलाते रहिए, दोनों साइड पलटते रहिए। इसको हम थोड़ा सा चेक भी कर सकते हैं बीच में, चेक करने से अगर हम किसी चाकू से देखेंगे तो आटा जो है उसमें चिपके गए हैं, मतलब हो चुका है। अब यहाँ पे फरे बन चुके हैं 15 मिनट उबलने के बाद। इनको हम पानी से निकाल लेंगे, थोड़ा सा पंखे के नीचे रख देंगे जिससे कि ये ड्राई हो जाए। अब ये फरे बन के तैयार हैं खाने के लिए। बहुत लोग इसको ऐसे ही खाते हैं बिना फ्राई के, ऐसे भी बहुत टेस्टी लगता है, और चाहे तो फ्राई भी कर सकते हैं। अब मैं इसमें दूसरा बैच डाल रही हूँ क्योंकि एक बार में मेरा फरा नहीं उबल पाया था, इसको मैं 2 बार में उबाल रही हूँ। अब इन फरों को हम ठंडा कर लेंगे। अब यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि फरे जो हैं ठंडे होने के बाद इनका कलर कैसा हो गया है, एकदम से चेंज हो गया है और ये ड्राई हो चुके हैं। अब इन हम फरे के बड़े टुकड़े जो हैं एक एक करके उनमें छोटे छोटे पीसेस बना लेंगे। आप एक पीस में 3 या 4 बनाइए, मैंने 4 बनाए हैं एक में। इनकी स्टफिंग देखिए, अब हम चलते हैं फरों को फ्राई करने के प्रोसेस में। इसके लिए हम कढ़ाई में तेल डालेंगे और तेल जब गर्म हो जाएगा तो एक एक करके इसमें हम फरों को डाल देंगे। तेल में जितना आ सके। अब इसको मैं इसको डीप फ्राई कर रही हूँ, आप चाहें तो हल्के तेल में कर सकते हैं, लेकिन डीप फ्राई करने से ये बहुत टेस्टी होता है। एक साइड से जब ये फ्राई हो जाएंगे तो इसको हम पलट के दूसरे साइड से भी कर लेंगे। नॉर्मल जैसे कोई चीज़ हम फ्राई करते हैं वैसे ही इसको करना है। ये फरे तो मेरे फेवरेट हैं, मेरे बच्चों को भी ये बहुत पसंद आते हैं। आप इस रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई करें, ये बहुत ही टेस्टी बनती है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि फरे जो हैं अच्छे से फ्राई हो चुके हैं, इनका कलर एकदम गोल्डन ब्राउन हो चुका है। अब इनको हम बाहर निकाल लेंगे। अब आप इनको गर्मा गर्म चटनी के साथ खाइए, चाय के साथ इसको स्नैक्स में लीजिए, बहुत टेस्टी लगते हैं ये। और फाइनली आप यहाँ देख सकते हैं फरे बनके तैयार हैं। इन फरों को मैं इमली की खट्टी मीठी तीखी चटनी के साथ सर्व करती हूँ, इसके साथ ये बहुत ही अच्छे लगते हैं। आप इसे किसी भी चटनी के साथ खा सकते हैं। अगर आपको ये चटनी की रेसिपी चाहिए तो आप मुझे कमेंट करें। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।